पिछले लेक्चर में हमने देखा सब ग्रुप, उसकी डेफिनेशन और कुछ बेसिक सी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे वन स्टेप टेस्ट, उसको नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन भी कहते हैं सब ग्रुप की। ये इस्तेमाल होती है सब ग्रुप दिखाने के लिए। सिर्फ वन स्टेप में ही पता चल जाता है जो ग्रुप है वो सब ग्रुप है या नहीं। अब हम देखेंगे क्या है वो वन स्टेप टेस्ट। एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी belongs to H। देखो अगर H is a subgroup of G, अगर H subgroup है G का, then AB inverse belong किस में होगा? H में होगा। और AB क्या है? सारे element है, H के सारे element, एक A लेते हैं और एक B का inverse, दोनों का multiplication H में satisfy होगा। और उल्टा अगर AB inverse belongs to H, AB inverse अगर H में belong होता है तो H क्या रहेगा? सबग्रुप रहेगा। यही बेसिकली। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। ध्यान से देखो क्या करना है, हमें एक ग्रुप है उसको अगर हमें सबग्रुप दिखाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो एलिमेंट पिक करने होंगे, एक एलिमेंट ऐसा ही रखना होगा और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स निकाल के उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर एच में ही जाती है तो एच है वो क्या रहेगा? सब ग्रुप रहेगा। इसका ये एप्लीकेशन हमें यूज करना है। अब हमें सिर्फ ये प्रूफ देखना है। अब प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, गिवन, हमें क्या गिवन है? एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। ओके, देखो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, देन देयर एग्जिस्ट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बिकॉज एच इज ए सब ग्रुप। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एच क्या है? सब ग्रुप है तो उसमें इनवर्स एग्जिस्ट होगा सारे एलिमेंट के लिए, तो बी इनवर्स हो गया एग्जिस्ट एच में। देन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब ग्रुप क्या है? ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। एच क्या है? सब ग्रुप दिया था हमने, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो गया बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। गिवन, क्या गिवन है? एच बी ए नॉन एम्प्टी
subset, non-empty subset of G such that AB inverse belongs to H for every A comma B belongs to H. इसको नोटेशन देते हैं फर्स्ट, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, यच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो, हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन देखी है पिछले लेक्चर में, तो हम जब एक जी का एक सबसेट लेते थे, एक एच लिया है जी का एक सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट लिया एच, और एच को हमें सब ग्रुप दिखाना है, प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एच इटसेल्फ ग्रुप फॉर्म करता है ये दिखाना पड़ेगा, दैट इज इट रिमेन्स टू प्रूव इट सेल्फ फॉर्म्स ए ग्रुप, यच इट सेल्फ फॉर्म्स ए ग्रुप, यच एक खुद में ही ग्रुप फॉर्म करता है, दैट इज टू प्रूव दैट ऑक्साइम्स ऑफ ग्रुप के ऑक्साइम्स हमें प्रूव करने हैं, यच इज ए सबसेट ऑफ ग्रुप जी, देन इट इज then it is obviously then it is obviously associative oxime satisfied group g ka h kya hai, subset hai, agar g ka subset h hai to usme ऑब्वियसली एसोसिएटिव ऑक्साइम क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ओके। नेक्स्ट, एच इज नॉन एम्प्टी, अगर एच नॉन एम्प्टी दिया है, गिवन में है, एच नॉन एम्प्टी है तो उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो हम एक एलिमेंट लेते हैं, ए बिलोंग्स टू एच, ओके, कौन सा भी एक एलिमेंट लेते हैं एच का, देन ए इनटू ए इनवर्स करेंगे, एक ए एलिमेंट लिया और एक ए इनवर्स, यानी कि दो एलिमेंट हो गए, देखो दो एलिमेंट हो गए, तो ये भी किस में बिलोंग होंगे, एच में, बिकॉज फर्स्ट में क्या दिया है, अगर एच के दो एलिमेंट लेते हैं तो एक दूसरा एलिमेंट का इनवर्स, दोनों की मल्टीप्लीकेशन एच में जाती है, एक गिवन है, इसीलिए मैंने एक ए एलिमेंट लिया और एक ए इनवर्स लिया, यानी कि एच में दो एलिमेंट हो गए और दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन एच में जाती है, दैट इज A इंटू ए इनवर्स हो गया, E बिलोंग्स टू एच, यानी कि आइडेंटिटी मिल गई, therefore existence of identity in H, ओके।
एसोसिएटिव हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई। नेक्स्ट है इनवर्स के लिए देखते हैं। अभी ई बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग्स टू एच, ओके। तो देखो ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट, इधर भी ई बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू एच, दोनों की मल्टीप्लीकेशन और ए इनवर्स, ए का इनवर्स, ए बी बिलोंग्स टू एच और बी का इधर इनवर्स ले रहे हैं हम, इसलिए ई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू और दैट गिव्स ई इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी इंटू समथिंग और एनीथिंग, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ओके। देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एच, एच के सारे एलिमेंट को इनवर्स एग्जिस्ट है, ओके। अब देखते हैं लास्ट, एसोसिएटिव हो गई, इनवर्स हो गया, आइडेंटिटी हो गई, अब रिमेनिंग क्या रह गया है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो बाय अबाउ स्टेप यानी कि जो इनवर्स है, हम बी लेते हैं, बी बिलोंग्स टू एच दैट गिव्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, हमने प्रूव किया एच के सारे एलिमेंट को इनवर्स एग्जिस्ट है, ओके, ठीक है। और एक ए लेते हैं, एच का दूसरा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, दैट गिव्स ए बी इनवर्स, ए और बी इनवर्स पिक किए और उसका एक इनवर्स ले रहे। देखो क्या किया है मैंने, एक स्टेप, इनवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, बी का एक एलिमेंट लिया, सॉरी एच का एक बी एलिमेंट लिया, उसको इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, और एक ए का, सॉरी एच का और एक ए एलिमेंट लिया और दोनों पिक किए, यानी कि दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग एलिमेंट लिए और मैंने दूसरे एलिमेंट का यानी कि बी इनवर्स, ये भी एक एलिमेंट है, इसका फिर से इनवर्स लिया फ्रॉम फर्स्ट, बिलोंग्स टू एच बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट, ओके, फर्स्ट से ही सब ले रहे हैं हम। अब देखो दैट गिव्स ए बी इनवर्स, इनवर्स ऑफ इनवर्स, इनवर्स निकल जाता है, रिमेनिंग ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, बी एच में था, ए बी एच में था, तो ये मिल गया, दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच दैट गिव्स ए बी बिलोंग्स टू एच, क्लोजर ऑफ जॉइंट्स, देयरफॉर क्लोजर ऑफ जॉइंट सेटिस्फाइड, क्लोजर ऑफ जॉइंट सेटिस्फाइड हो गया, देयरफॉर एच, सॉरी देयरफॉर ऑल ऑफ जॉइंट्स, ऑल ऑफ जॉइंट्स सेटिस्फाइड, देयरफॉर एच इज ए क्लोजर ऑफ जॉइंट्स सेटिस्फाइड, देयरफॉर ऑल ऑफ जॉइंट्स
of group are satisfied. जो ग्रुप की एग्जाम से वो सेटिस्फाई हो गए, देयरफॉर एच इज ए ग्रुप बाय डेफिनेशन. बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, क्या डेफिनेशन है? जो सबसेट है, अगर वो ग्रुप होता है तो जो सबसेट है वो सब ग्रुप हो जाता है. देयरफॉर एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, दैट इज प्रूफ. हमने वन स्टेप टेस्ट देखी, जब ग्रुप में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन रहेगा तब वो वन स्टेप टेस्ट हमें लगानी है. अगर ग्रुप में एडिशन ऑपरेशन रहेगा, ग्रुप में अगर एडिशन ऑपरेशन रहता है तब कौन सी वन स्टेप टेस्ट लगानी है वो देखेंगे. नॉट इफ और इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप जी ऑपरेशन इज एडिशन. इन ए ग्रुप जी, अगर जी ग्रुप जी में ऑपरेशन एडिशन रहेगा देन वन स्टेप टेस्ट क्या रहेगी? एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच सच दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच. देखो, अगर ग्रुप में एडिटिव और एडिशन बाइनरी ऑपरेशन रहेगा तब वन स्टेप टेस्ट लगाने के लिए सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा दो एलिमेंट का, तभी वो एच है. यानी कि जो सबसेट लेते हैं हम जी का वो सब ग्रुप रहेगा. ये है वन स्टेप टेस्ट. देखो, हम अभी इसका एग्जांपल देखते हैं. देखो, कंसीडर जी इज इक्वल टू, एक ग्रुप लिया जेड प्लस का, द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर. यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है. और हमने अभी भी वन स्टेप की लिए देखी, एडिशन के लिए देखी, तो उसका एक एग्जांपल है. तो देखो, ग्रुप कौन सा लिया? जेड प्लस एडिटिव ग्रुप है, ओके. और एक सबसेट लिया है, जी का सबसेट लिया है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फाइव, फाइव के मल्टीपल्स इंटीजर लिए है. That is h equal to 5z. That is 0, 5, 10 up to infinity, minus 5, minus 10 up to infinity. ये ग्रुप कैसा है आपको पता है? इंटीजर z के इंटीजर क्या रहते हैं? मैंने लिए minus 2, minus 1, 0, 1, 2 up to infinity. तो 5 into 0, 0, 5 into 1, 5, 5 into 2, 10. ओके, 5 into minus 1, minus 5, 5 into minus 2, minus 10 और so on. ओके, ये सबसेट हो गया ग्रुप जी का सबसेट. ओके, अब प्रूफ क्या करना है? To prove 5z is a subgroup of z plus. अब देखो, हमें सबग्रुप की डेफिनेशन पता है. क्या है? अगर हम ग्रुप की और सॉरी ग्रुप का एक सबसेट लेते हैं, अगर उसको सब ग्रुप दिखाना है तो उस सबसेट को हमें ग्रुप दिखाना पड़ेगा. लेकिन अब वन स्टेप टेस्ट क्या कहती है? एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है. तो देखो, हम अब वन स्टेप टेस्ट लगाते हैं. कंसीडर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू फाइव जेड. ओके, x और y एक दो एलिमेंट हमने लिए है 5z के, और वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा?
वो कैसे डिफाइन होंगे? नाउ एक्स इक्वल टू फाइव एम वन एंड वाई इक्वल टू फाइव एम टू, वेयर एम वन कामा एम टू बिलोंग्स टू जेड। जो एम वन और एम टू है वो जेड की एलिमेंट है और एक्स और वाई फाइव जेड की एलिमेंट है। अगर वन लेता है तो फाइव आएगा, माइनस वन लेंगे तो माइनस फाइव आएगा। देखो ओके, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे, कंसीडर वन स्टेप टेस्ट। एडिटिव है इसलिए दो एलिमेंट है सबसेट के, उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये एच है ओके, एक्स माइनस वाई बरोबर फाइव एम वन माइनस फाइव एम टू, फाइव कॉमन आएगा, फाइव एम वन माइनस एम टू ओके। देयरफॉर फाइव एम माइनस वाई। अब ये फाइव एम कैसे आ गया? बिकॉज एम वन एंड एम टू बिलोंग्स टू जेड, देन एम वन माइनस एम टू ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। क्यों? जेड एक ग्रुप है, ग्रुप है तो एडिटिव है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एम वन माइनस एम टू बिलोंग्स टू जेड ओके। और एम वन माइनस एम टू बिलोंग्स टू जेड होगा तो एम भी किसका एलिमेंट है? जेड का ही है, तो फाइव एम आ गए। देखो तो x माइनस वाई क्या आ गए? देयरफॉर x माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ फाइव, देयरफॉर x माइनस वाई बिलोंग्स टू फाइव जेड। हेंस बाय वन स्टेप टेस्ट फॉर एडिटिव ग्रुप हिंस नहीं गया, बाय वन स्टेप टेस्ट फॉर एडिटिव ग्रुप फाइव छे इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड कॉमा प्लस।